me do my two-step. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एमके फिटनेस। और आज का व्लॉग ये रहेगा कि मेरा विलेज टूर, की मेरे विलेज का पूरा मैं टूर करवाऊँगा, क्या है क्या नहीं है। और आज मेरे साथ है ललित जी, और हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हमारे विलेज के अंदर मेन चीज़ें और क्या नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं आगे। अभी तो चलो अपन चलते हैं, जो मतलब इंदिरा गांधी नहर आपने नाम सुना ही होगा, जिसका जो एंडिंग पॉइंट है ना, वो हमारे विलेज में ही है। जिस और मेरे विलेज का नाम है श्री मोहनगढ़ जैसलमेर, जैसलमेर एरिया के आसपास आता है। और रियल जैसलमेर क्या है मैं आपको बताऊंगा, ये शायद वीडियो दो तीन पार्ट में आ सकते हैं, लेकिन रियल जैसलमेर और रियल डेजर्ट्स वगैरह मैं सब अब बताऊँगा आपको कि रियल जैसलमेर एक्चुअली है क्या। चलो अभी चल रहे हैं अपन जैसे मोहनगढ़ के, जैसे इंदिरा गांधी नहर आपने सुना होगा, जो शायद पंजाब वंजाब से स्टार्ट होती है, इतना मेरे को भी नहीं पता। और उसका जो एंडिंग पॉइंट है ना, वो हमारे विलेज में ही है, वो आपको दिखाते हैं। और ये शायद वीडियो है ना दो तीन पार्ट में भी आ सकता है, उसका रीज़न ये है क्योंकि थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। और रियल जैसलमेर क्या होता है वो मैं बताऊँगा, क्योंकि मेरा गाँव जैसलमेर के पास ही मोहनगढ़ नाम से है, श्री मोहनगढ़, वो मेरा विलेज है। और मैं बताता हूँ आपको कि रियल जैसलमेर क्या है एक्चुअली। आपको दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है यहाँ पे। और मेरे साथ है ललित जी, से टू आए लोग सब बोल रहे बैठे, आवाज़ कम आएगी यहाँ पे। और ये 08 है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ पे जैसे जो जैसलमेर गांव है ना, उस एरिया के अंदर ये पानी सप्लाई होता है, मतलब यहाँ से इसका एक अलग जॉइंट निकलता है। ठीक है, और ये रही जो मेन जगह जहाँ से हम मतलब ये है, तो पंजाब साइड से जो इंदिरा गांधी नहर आती है ना, वो इस साइड से आती है, और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। मतलब एंडिंग पॉइंट अगर आप ऐसे बोलोगे कि ये आगे जा रही है, तो एंडिंग पॉइंट कहाँ से हुआ, मतलब इस एरिया का ये एंडिंग पॉइंट है। और ये लास्ट, ये जो इसको क्या कहते हैं, बांध ही कहते हैं ना, ये लास्ट बांध ही है। और अभी यहाँ पर पानी रोक रखा है, नहीं तो यहाँ का सीन बहुत ज़्यादा अच्छा ही था। अभी थोड़ा पानी भी बहुत ज़्यादा गंदा है, बाकी देखते हैं लास्ट पॉइंट है। और अब तो कुछ ही सालों में अच्छा डेवलप हो गया, बाकी इतना डेवलप नहीं था यहाँ पे, नॉर्मल बांध था और ज़्यादा कुछ था नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी हो गई है, बाकी जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में ग्रीनरी देखना बहुत बड़ी बात है। अब आपने ये थोड़ा ग्रीन एरिया देख लिया, यहाँ से ही ये हमारे विलेज से ऑलमोस्ट 5 to 7 किलोमीटर्स है ना, ऑलमोस्ट 5 to 7 किलोमीटर्स है। अब नेक्स्ट आपको लेके जाएंगे, वो आप सोचोगे यार ये ग्रीनरी से अचानक कहाँ आ गए, वो भी इतने ही ऑलमोस्ट 10 to 15 किलोमीटर्स। लेकिन वहाँ की लोकेशन और रियल जैसलमेर कहते हैं ना, जैसे कि आप डेजर्ट्स देखने आते हो जैसलमेर में जाते हो, ये हिडन डेजर्ट्स है, इसको हर कोई जानता नहीं है। यार मैं तो यहाँ का लोकल हूँ, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, लफड़ा है। चलो मिलते हैं, अब थोड़ा आप यहाँ के सिनेमेटिक शॉट्स इन्जॉय करो, मैं थोड़े सिनेमेटिक शॉट्स लेता हूँ। ओके बाय।
चलो आपको ये इंदिरा गांधी नहर का तो एंडिंग पॉइंट दिखा दिया, अब मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो रियल डेजर्ट है, वहाँ के आपको सिनेमेटिक शॉट्स और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो फिर देखने का कोई मतलब भी नहीं, ना कोई सेंस बनेगा, इसलिए इस वीडियो को तो यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं न्यू वीडियो में। इसका जो पार्ट सेकंड आएगा वो भी मैं अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि आपको पता है मैं यूट्यूब पर न्यू हूँ और हो सके जितना स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा हूँ क्वालिटी की, वीडियो क्वालिटी साउंड कि हो सके जितना हो सके मैं अपना ट्राई कर रहा हूँ। एक बार ललित और बोलेंगे मेरे वीडियो को, ललित जी आप भी बोल दीजिए कि मेरे को वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का। मेरे भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए और हो सके जितना शेयर करें, जितने से जितना शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय।